वीडियो को लाइक करते ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन क्लिक कीजिए। हैवी डिस्काउंट स्मार्टफोन खरीदने के लिए व्यू प्रोडक्ट्स क्लिक कीजिए Xiaomi। वेल, स्मार्टफोन की जमाना है तो स्मार्टफोन हर कोई यूज करना पसंद करेगा ही, क्योंकि देख लो यार Xiaomi हम लोगों को स्पेशली कम प्राइस के अंदर इतना जबरदस्त स्मार्टफोन देते आ रहा है यार, मैं क्या ही बताऊं। आप में से कितने सारे लोग Xiaomi के स्मार्टफोन अभी फिलहाल के लिए ये वीडियो देख रहे हैं चैट सेक्शन में बता सकते हो। अगर हाँ दूसरे स्मार्टफोन में भी देख रहे हो तो कौन सा स्मार्टफोन है कमेंट कर दो यार। खैर, स्मार्टफोन तो यूज करना या ना करना उनकी पर्सनल चॉइस है, पर स्मार्टफोन इतना जोर हम पे डाल देगा कि ये स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं, इतना बढ़िया कैमरा क्वालिटी दे रहे हैं, अरे यार क्या बताएं, दुनिया भर में लोगों से भी ज्यादा स्मार्टफोन नजर आ रहे हैं। खैर, इन सबको साइड में करते हुए Xiaomi हम लोगों को एक नया स्मार्टफोन जल्द ही मार्केट में लॉन्च कर सकता है, जो कि कम प्राइस के अंदर एक 200 मेगापिक्सल कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करने वाला एक DSLR स्मार्टफोन होने वाला है। इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस आप लोगों के दिमाग की बत्ती को हिला के रख सकता है। तो बिना देरी के बात करेंगे इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा से। दुनिया की सबसे जबरदस्त कैमरा क्वालिटी 48 मेगापिक्सल की कैमरा सेल्फी स्मार्टफोन के अंदर दी जाएगी। बैक साइड में टोटल 3 कैमरास हो सकते हैं, एक बड़ा सेंसर होगा जो कहा जा रहा है 200 मेगापिक्सल की, और बाकी 2 कैमरास हो सकते हैं जो 18+8 मेगापिक्सल की कहा जा रहा है। देखो यार Xiaomi के स्मार्टफोन के अंदर कैमरा क्वालिटी अगर मैं कंपेयर करूं टू अदर स्मार्टफोन्स, जिस हिसाब से ये स्मार्टफोन हमको प्रोवाइड करते हैं शायद कोई दूसरा कंपनी कोशिश करता होगा। हाँ, Realme तो पीछे लगा हुआ है जो लगभग कॉपी पेस्ट करता जाता है जो नए नए स्मार्टफोन्स Xiaomi लेकर आता रहता है। ये स्मार्टफोन के अंदर अगर धांसू परफॉर्मेंस की कोई बात है तो वो है इसका डिस्प्ले। यहाँ पर देखो यार Full HD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले दिया जा रहा है। अगर आप गेमर हो तो आपके लिए फुल पैकेज डिस्प्ले कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 144Hz की रिफ्रेश रेट ये स्मार्टफोन के अंदर दी जा रही है। और सबसे अच्छी बात, लगभग 6.9 इंच की बड़ी डिस्प्ले स्मार्टफोन के अंदर दी जाएगी, यानी कि इतना बड़ा स्क्रीन आपको लगेगा कि जैसे टैबलेट चला रहे हो। खैर, ये सब को साइड में करते हुए यहाँ पर मेन फ्यूचर की बात करें तो इस बार Xiaomi Redmi Note 13 के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दी जा सकती है। अगर खास तौर पर बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन के अंदर हमको 5000mAh की बैटरी परफॉर्मेंस दी जाएगी, जैसे कि सारे Xiaomi के स्मार्टफोन्स के अंदर हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। इसको चार्ज करने के लिए कहा जा रहा है 67W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी जा सकती है, और एक वेरिएंट के अंदर कहा जा रहा है 45W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। यहाँ पर देखेंगे आने वाले दिनों में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमको पता चल जाएगा। और अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये स्मार्टफोन 3 वेरिएंट के साथ मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। 6GB RAM, 8GB RAM, 6GB RAM के ऊपर 128GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB RAM के ऊपर 128GB इंटरनल स्टोरेज, और एक हायर वेरिएंट होगा 8GB RAM के ऊपर 256GB इंटरनल स्टोरेज। तीनों में भी एक्सपांड करने की सुविधा दी जाएगी अप टू 256GB तक। मेरे हिसाब से काफी ज्यादा फीचर्स ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और हाँ, ये स्मार्टफोन के अंदर और एक खास बात कहे तो गलत नहीं होगा जो कि 5G वेरिएंट का ये स्मार्टफोन होगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन की प्रोसेसर इतना तगड़ा होगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। कहा जा रहा है डेमेंसिटी वाला एक नया चिपसेट स्मार्टफोन के अंदर यूज की जाएगी, जो खास तौर पर सबसे पहले इसी स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। और काफी सारे कलर वेरिएंट्स स्मार्टफोन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि Redmi Note 10, 11 और 12 अभी रिसेंटली लॉन्च हो सकता है, उसमें भी हमको देखने के लिए मिल जाएगा। USB टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक और Xiaomi का सबसे छोटा प्यारा दुलारा IR ब्लास्टर भी देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोगों को स्मार्टफोन के बारे में कैसा लगा आप लोग मेरे को चैट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए स्टूडियो में इतना ही। आशा करता आपको वीडियो पसंद आया, तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स से दिखाने के लिए शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपको और एक वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।